बात करेंगे कि हम हर्ब्स किन किन इंटेंशंस के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पर्पस, कौन कौन से ऐसे पर्पस होते हैं जो हम हर्ब्स यूज करते हैं, और बहुत जनरल पर्पसेस हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे। और किसी के क्वेश्चंस होंगे ना, प्लीज आप मुझसे पूछिएगा। देखिए, मेडिकल इंटेंशंस में हम क्या क्या यूज करते हैं, किस किस चीज। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप किन किन चीजों के लिए हर्ब यूज करना चाहते हैं, बताइए, कौन बताएगा? प्रोटेक्शन के लिए हाँ, और और एक्सपेंशन के लिए, प्रोटेक्शन वंडरफुल, और के लिए, बिजनेस के लिए, यस शादी के लिए। यस और ओके, कोर्ट मनी के लिए, है ना, कोर्ट केसेस या केसेस, लिटिगेशंस, ये सारे हाँ हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सभी की लाइफ में गवर्न करते हैं। तो हमने सारे उसको ना लिस्ट डाउन कर लिया, और हम मोस्टली जो हमारी सारी हर्ब्स हैं मोस्टली सब चीजों में यूज होती है, लेकिन कुछ जैसे उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से यूज होती है। अब लिटिगेशन है, लिटिगेशन को हम सन से भी करते हैं ना कनेक्ट, तो जो सारी सन, जो प्लेनेट हर्ब, जो हर्ब का प्लेनेट सन है, आप उसको लिटिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने मोस्टली आप सबको प्लैनेट्स भी बताए हैं कि किस हर्ब की प्लैनेट कौन सा है, सो देट आप उसको प्लैनेट के प्लैनेट वाइज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीनस की हर्ब है तो ऑफ कोर्स आपको पैसा देगी, रिलेशनशिप में हेल्प करेगी, ऑलराइट। तो सबसे पहले आया प्रोटेक्शन, फर्स्ट पर्पस इज प्रोटेक्शन। अब हमें प्रोटेक्शन किससे चाहिए? प्रोटेक्शन हर्ब करती क्या है, वो हमारे चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देती है। मोस्टली जो प्रोटेक्शन हर्ब होती है वो फ्यूरी एलिमेंट होती है, मार्स से कनेक्टेड होती है, वो तेज होती है उसके अंदर, ठीक है। वो ऐसा तेज होता है कि आते ही एयर के कांटेक्ट में आते ही वो एकदम से फैल जाती है, वो एक सेकंड नहीं लेती। और साथ में आपकी इंटेंशन, अगर आप उस हर्ब को जिस चीज के साथ रखेंगे ना, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, इंक्लूडिंग अवर बॉडी। अगर आप अपनी पॉकेट में रखेंगे तो आपकी बॉडी की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो अगर आपको लगता है, कुछ लोग जैसे काला धागा बांधे रहते हैं ना हाथ में, है ना, या ताबीज बांधे रहते हैं, आपको मालूम है ताबीजों के अंदर क्या होता है? कभी आपने देखा है? बहुत सारे लोग ताबीज मंत्र देते होता हैं ना बनाकर। हाँ, है, मंत्र होता है मैम उसका। अच्छा, मंत्र भी होते हैं, बहुत सारे ताबीजों में रूट्स होती हैं, बहुत सारे ताबीज में रूट्स होती है, एंजली का रूट्स, या फिर बहुत सारी प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, वो प्रोटेक्शन में काम आती है। रूट्स एक ऐसा पार्ट है किसी भी प्लांट का, अगर आप उसको प्रोटेक्शन में यूज कर रहे हैं तो 100% आपकी कोई भी ताकत हो उससे आपकी प्रोटेक्शन होती है। एंजली का रूट्स उसमें सबसे ज्यादा काम करती है। और आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेजिल की भी रूट लेते हैं, बेजिल की रूट 100% प्रोटेक्शन। कोरिएंडर की रूट, कोरिएंडर, हमें धनिया मिलता है ना मार्केट में विद रूट्स, जिसको हम काट के फेंक देते हैं, हम कोरिएंडर की। इंद्रजाल का भी करते हैं ना, हम इंद्रजाल। देखिए, इंद्रजाल जो है ना वो एक सी प्लांट है। ओके, उसका हम कट करके हम ताबीज में बांध करके, कैन वी डू इट फॉर प्रोटेक्शन? कि इंद्रजाल ना सर, अब एक ना इसके ना अलग ही केस है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसको कट करके प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं? इंद्रजाल की अपनी एक अलग ही एनर्जी है। इंद्रजाल ओके, सबसे पहले तो देखो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, हम घरों के लिए भी उसको कुछ लोग फ्रेम करा के अपने घर के दरवाजे के पास लगा देते हैं, लेकिन आप मालूम है इंद्रजाल ना बड़ी दैविक, उसके अंदर देवताओं की एनर्जी है, ओके, और देवताओं की एनर्जी होने के कारण ना सबसे पहले हम ऐसे ही खरीद के मार्केट से आप इंद्रजाल घर पे नहीं लगा सकते। आपको सबसे पहले उसको जागृत करना पड़ता है, अपनी एनर्जी के साथ मिलाना पड़ता है, एक पूरा रिचुअल होता है। और आपको मालूम है, लोग सिर्फ बेचने के चक्कर में ना उस चीज को बेचते हैं, और लोग सब अपने घर में लेकर लगा देते हैं उसको, ना तो वो एक्टिव करते। इंद्रजाल में, आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, मोस्टली मलेशियन सी, जो मलेशियन सी है उसी के अंदर ये पौधा मिलता है इंद्रजाल का। ये हर्ब ऐसी सी हर्ब है, स्पेशली सी हर्ब है। ये प्रोस्पेरिटी के लिए होती है, ये आपकी ऑलराउंड प्रोटेक्शन करती है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर देवता स्थापित है तो उनको अपने देवताओं के साथ मिलाना पड़ता है। सिंपल, आप पहले अपने देवताओं के साथ प्रोसेस कीजिए मिलाने का, फिर आपके लिए ये वंडरफुल काम करेगी, नहीं तो काम ही नहीं करेगी। आप लगा दीजिए कितने सौ, पूरे वॉल पे लगा दीजिए इसका, इंद्रजाल का जाल, राइट। बट इसके साथ, एक्चुअली ताबीज हाँ, में मैंने लगाया तो आई गॉट सम गुड रिजल्ट्स विद इट मैम, तो आपने उसको एक्टिव प्रोटेक्शन किया के। था? हाँ मैम, हाँ, ठीक है, वंडरफुल। अगर आपने उसको एक्टिव किया तो सबसे अच्छा है, अगर जो लोग एक्टिव नहीं करते वो कुछ काम नहीं आते फिर। एक्टिव के वंडरफुल, बिना हम नहीं हाउ टू होता एक्टिवेट है। मैम?
देखिए उसकी पूजा पाठ होती है पूरा इंद्रजाल के लिए, पूरे उसके मंत्र वगैरह होते हैं। वैसे तो हाँ जो भी मंत्र होते हैं, जैसे पंडित हो उसे आप ले सकते हो, ठीक है, जो भी लोग होते हैं उनसे आप ले सकते हो, तो मंत्र ही करना है आपको, मंत्र से होती है।